मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के प्लेन अलर्ट पर हैं। अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग चल रही है। तो इराक के एरबिल में ये धमाका हुआ है, यूएस सैन्य आर्मी पर ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है उसके बाद अमेरिका में अब हलचल तेज हो गई है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपना स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के प्लेन अलर्ट पर हैं और अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग चल रही है। बड़ी बैठक ये चल रही है जो बाइडेन के साथ और बताया जा रहा है कि इस बैठक में अब इस बारे में चर्चा की जाएगी कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए ईरान के खिलाफ। और चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संत मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक वोरा सर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व राजनयिक वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, इस वक्त लगातार खबरें आ रही हैं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है इसमें रूस की तरफ से मिडल ईस्ट के लड़ाकों की मदद की जा रही, वहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है रूस की तरफ से मिडल ईस्ट में और अब इराक में ये हमला अमेरिकी दो ठिकानों पर, क्या इन दोनों को आप रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रूस ने मर्सनरीज को इन्वॉल्व किया है और जिस तरह से वो इस तरह के जो भाड़े के सैनिक हैं उनको युद्ध में उतार रहा है, इससे बिल्कुल इस जो हमला है इससे रिलेट किया जा सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि कभी ये तवक्को नहीं की थी और जो वॉर एथिक्स हैं खासकर जो सुपर पावर्स हैं ये उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, खासकर रूस से, कि वो इस तरह के मर्सनरीज इन्वॉल्व करेगा क्योंकि उसने मिडल ईस्ट को भी इन्वॉल्व किया है और भी जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं है चाहे ओवरटली या कोवर्टली, उनको उसने इन्वॉल्व किया है। और रूस ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो क्योंकि रूस जिस चीज से डर रहा है वो जो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया से डर रहा है और उसे मालूम है कि कैजुअल्टीज इतनी ज्यादा होंगी कि रूस उसको गवारा नहीं कर सकता कॉम्बैट वाइज और स्टेटस वाइज। तो ये इसका मुझे लगता है कि एक बिल्कुल डायरेक्ट वो है और उस ये अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।